हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस कैसे चेंज करा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करा सकते हैं और अपना नाम कैसे चेंज करा सकते हैं बिना कहीं जाए। आपको कुछ नहीं करना, ये सारे काम आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। तो गाइस, आपको सिंपली गूगल क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उसको सर्च करना है, UIDAI वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपडेट आधार आपको दिख रहा होगा, इसका जो थर्ड ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन, इस पे आप जाएंगे। गाइस, इस पे जाने के बाद आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस ये सब चेंज कराना है, तो प्रोसीड टू अपडेट आधार इस पे आप क्लिक करेंगे। गाइस, क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें वो आपसे मांगेगा आपका आधार नंबर और जो ये कैप्चा यहाँ पे आया है वो। आपको OTP सेंड करना है, वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड है। गाइस, ये सारी आपको डिटेल डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको उसके बाद क्या करना है। गाइस, ये मैंने डाटा फिल कर दिया है जो जो इसने पूछा था मेरे से, जैसे कि आधार कार्ड पूछा, इसने मैंने आधार कार्ड डाल दिया, एक कैप्चा जनरेट हुआ वो डाल दिया और जो OTP मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड हुआ था, ये तीनों चीजें मैंने डाल के इसको लॉगिन करा है। गाइस, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा आपके पास जो सामने पेज खुलेगा इसके अंदर ये दो ऑप्शंस आएंगे, अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा या अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड। तो आपको करना है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा। गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें ये सारी ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आपको क्या चेंज कराना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल। गाइस, ये जैसे आप नेम देख सकते हैं उसके आगे लिखा हुआ है टू अटेम्प्ट लेफ्ट, तो आप नेम को सिर्फ दो ही बार चेंज करा सकते हैं, जेंडर को एक ही बार चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी एक ही बार चेंज करा सकते हैं, एड्रेस आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज करा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो गाइस, ये सारी चीजें डालने के बाद जैसे ही मैंने को एड्रेस चेंज कराना है तो मैंने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। गाइस, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। जैसे इसके अंदर पहला ऑप्शन है एंटर केयर ऑफ, हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी स्ट्रीट वगैरह जहां आप रहते हैं, ये सारा एड्रेस, लैंडमार्क वगैरह ये सब डालने के बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको आपकी सिटी डालनी है, टाउन डालना है और विलेज डालना है और आपका पोस्टल ऑफिस क्या है वो डालना है। क्या ये सारी चीज़ें, स्टेट डालनी है। स्टेट डालने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको डालने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप ही का कोई भी एड्रेस प्रूफ होगा, जैसे कि पासपोर्ट हो सकता है, बैंक की कोई स्टेटमेंट हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी आप इसके अंदर कोई भी आईडी, कोई भी जो आपको डालनी है, जो आपके पास है उसी एड्रेस की, वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद गाइस, चूज करने के बाद आपको पहले सारा का सारा पढ़ना है दोबारा से कि जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही डाली है कि नहीं। फिलअप करने के बाद फिर आप आगे का पेज गो करेंगे। तो गाइस, ये सारी चीजें डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रीव्यू का। गाइस, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इसके बाद एक ही एक पेज खुलेगा जिसपे वो मांगेगा ₹50 की एक पेमेंट। वो पेमेंट आपको करनी है, आप चाहे UPI कर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। वो पेमेंट करने के बाद आपको डन करना है, तो जो एड्रेस होगा उसकी रिक्वेस्ट उनके पास चली आएगी और फिर आपके पास एक URN नंबर जनरेट होगा जिससे आप चेक कर सकते हैं, जो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास ऑनलाइन या डिलीवरी जो है वो हो जाएगी आपके आधार कार्ड की। तो गाइस, आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।